अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पे किसी ने तांत्रिक प्रयोग करके आपकी किस्मत को बांध रखा है, आपके घर में आए दिन कोई ना कोई बखेड़े होते रहते हैं, कोई ना कोई परेशानी होती रहती है, या आपको लगता है कि घर का कोई सदस्य डिप्रेशन में है, तो आज ऐसा उपाय बता रही हूँ जिसको कि आपको ग्रहण काल में करना है। ग्रहण काल में ये उपाय बहुत कारगर होते हैं, क्योंकि कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो होली, दिवाली या ग्रहण काल में ही सिद्ध होते हैं। तो ग्रहण काल में ज़रूर करिए। आपके घर में जो भी किया कराया है ना, वो सब वापस वहीं लौट जाएगा जहाँ से वो गंदगी आई है, और आपके घर के लोगों पर कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा। तो ग्रहण काल में ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसे आपको बोलना है। इसके अलावा आपको सवा पाव लौंग लेनी है। सवा पाव लौंग को आपको पीस लेना है और उसका जो चूरा करना है और सामने रख लेना है एक बाउल में, और इस मंत्र को आपको पढ़ना है जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। उसको ध्यान से सुनिए। डंडी मार मार, डंडी मार मार, किया की डंडी किया, पल डावा किया, तोरे गुरु के गुरुवा रे, डंडी मार मार, डंडी मार मार रे, पवन का पलड़ा जतन के गुड़वा, हे डंडी मार मार, हे डंडी मार मार, हे डंडी मार मार, हे डंडी मार मार, सत्य की महारानी दुहाई नैना जोगिन की, सत्य गुरु के बंदे पाव देखो, देवी होश करो, जिसका पड़वा था उसी के घर जाओ, जिसका पड़वा था उसी के घर जाओ, जिसका पड़वा था उसी के घर जाओ, ये तीन बार बोलना है। तो इस तरह से आपको बोलना है। इसके बाद लौंग के चूरे को आपको दिया एक बड़ा सा बनाना है, उसमें बर्न कर लेना है। बड़ा सा थोड़ा कुंड टाइप बनाइए, और ऐसी जगह बनाइए जहाँ पर इसके धुएं वगैरह से आप लोग परेशान ना हो। लेकिन इसकी जो जोत है एक बार सब घर में ज़रूर घुमाएं, और इसके बाद में आपको उसको डाल के आना है किसी पेड़ के पास में, जब वो पूरा सा साफ हो जाए, और हाथों को झाड़ने की जो पोजिशन है वो 11 बार करनी है। तो इस तरह से किसी ने भी कुछ किया कराया होगा, कोई बाधा होगी, तंत्र मंत्र ऊपरी प्रभाव जो भी है वो सब दूर हो जाता है। तो ये मंत्र जरूर पढ़ें, और ये बोलचाल आपको लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी लगेगी, लेकिन ये कुछ मंत्र इस तरह के होते हैं जिनमें ऐसी तरह की भाषा होती है। इन मंत्रों को खास तौर पे सिद्ध नहीं करना होता, लेकिन ग्रहण काल में होली दिवाली के मौक़ों पर आप इनका प्रयोग करके बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जो भी बला जहाँ से आई है वहीं पर लौट जाएगी, तो ग्रहण काल में इसको ज़रूर करें।